हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑफलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो हिंदी में रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग, यदि आप इसके थ्रू प्रैक्टिस करना चाहते हैं किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, तो ये वेबसाइट का नाम है test.englishadvantage.in। यहाँ से इसको आप परचेज कर सकते हैं और किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए इसको आप ले सकते हैं और इसके थ्रू आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज़ बाइलिंगुअल है और 1 साल के लिए वैलिड रहती है और सारे सेक्शंस इसमें कवर होते हैं, तो इसको आप ले सकते हैं और इसके थ्रू डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको सफलता मिलेगी। देखिए, ये प्रोनाउंस की कैटेगरी है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केवल रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में, और बाकी सारे प्रोनाउंस के जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो अलग अलग वीडियोज़ में आपको दिए जाएंगे। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, सबसे पहले ये समझना होगा आपको। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स का मतलब होता है टर्न बैक या कम बैक, वापस आना। ठीक है, तो जब एक एक्शन सब्जेक्ट से शुरू होकर सब्जेक्ट पे ही वापस आ जाता है तो उस सिचुएशन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, और इन्हीं सारे प्रोनाउंस का यूज़ हम इम्फेटिक प्रोनाउन की तरह भी करते हैं, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, ये सारे प्रोनाउंस जो हैं ये रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें सेल्फ लगा हुआ रहता है। अब देखिए, हिम सेल्फ सिंगुलर है तो इसमें हम सेल्फ लगाएंगे, हर सेल्फ, योर सेल्फ। देखिए, योर सेल्फ में दोनों कैटेगरी होती हैं, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, क्योंकि यू जो हम यूज़ करते हैं वो सिंगुलर के लिए भी यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज़ करते हैं। तो योर सेल्फ भी हो सकता है और योर सेल्फ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। यदि एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो योर सेल्फ वहाँ पर लिखा जाएगा, और कई व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो योर सेल्फ लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आर सेल्व्स सारी सिचुएशंस में प्लूरल ही होगा, क्योंकि हम जो होता है वो हमेशा प्लूरल ही होता है। उसी तरीके से देम सेल्व्स भी हमेशा प्लूरल में लिखा जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रखें कि इसकी जगह आर सेल्फ की जगह यदि आप आर सेल्फ लिख दें या देम सेल्व्स की जगह देम सेल्फ लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। माई सेल्फ ये सही है और इट्स सेल्फ, तो ये हैं सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इन्हीं प्रोनाउंस को हम इम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, यदि आप ये तीनों सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ये समझिए कि आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन इसका समझ में आ जाएगा। देखिए, ये एक सेंटेंस है, आई टीच हिम। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट है आई, टीच है वर्ब और हिम है आपका ऑब्जेक्ट, आई टीच हिम। अब चूंकि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं तो इसलिए इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा। जब सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब एक ही व्यक्ति होता है तो उस सिचुएशन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे आई टीच माई सेल्फ, ठीक है, मैं अपने आप को पढ़ाता हूँ, तो इसमें पढ़ाने वाला व्यक्ति और पढ़ने वाला व्यक्ति एक ही है, तो इसीलिए यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज इसमें हुआ है। तो इसमें जो, इसमें देखिए हिम ऑब्जेक्ट है और इसमें माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है, तो इसीलिए यहाँ पर माई सेल्फ का प्रयोग यहाँ पर करेक्ट है और इसमें हिम का प्रयोग करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए, आई माई सेल्फ टीच हिम, मैं खुद उसको पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन है। देखिए, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, टीच यहाँ पर वर्ब है और हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी माई सेल्फ यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना होकर केवल इम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो यदि ये तीनों सेंटेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं तो ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको समझना। ठीक है, तो ये एक टेबल है, अब देखिए ये वर्ड हैं और इनके साथ आपको हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। एबसेंट, प्रेजेंट, प्रोटेस्टेड, एक्विट, अप्लाई, अवेल, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, एक तो एबसेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, एक प्रोस्ट्रेटेड ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, और आपका अवेल इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंजॉय इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्राइड इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ये सारे थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इन वर्ड्स के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। अब देखिए, यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास ड्यूरिंग द हिस्ट्री पीरियड, मतलब उसने एब्सेंट कर दिया किसको, ये पता नहीं है, हिस्ट्री पीरियड के दौरान। अब देखिए, ही एब्सेंटेड मतलब उसने एब्सेंट किया, लेकिन एब्सेंट उसने किसको किया, अपने आप को ही एब्सेंट किया, तो इसलिए इस वर्ड के आगे यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, जैसा कि इस सेंटेंस में दिया है ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, क्योंकि जो उसने एक्शन किया उसका प्रभाव जो पड़ा वो उसी व्यक्ति के ऊपर पड़ा जिसने वो एक्शन किया, तो इसीलिए इस वर्ब के बाद हम हिमसेल्फ लगाएंगे और हिमसेल्फ लगाने के बाद ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, ही एंजॉयड एट द पार्टी, तो इसमें ही सब्जेक्ट है,
इंजॉयड वर्ब है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। पार्टी जो है इसमें प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्बल ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब का ऑब्जेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। एट के बाद पार्टी आ रहा है, तो एट एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ये पार्टी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। और सही क्या होगा इसका? सही होगा ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। तो यहाँ पर देखिए, ये तो एक प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया पार्टी, जो कि एट से रिलेटेड है, और ही इसमें सब्जेक्ट हो गया, एंजॉयड वर्ब हो गया, और हिमसेल्फ इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस सही है, ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। तो ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। और ये वाला सेंटेंस देखिए, ही प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड का मतलब है किसी के सामने झुकना, अपने आप को झुकाना, तो उसने झुकाया, लेकिन किसको? अपने आप को। तो इसलिए ही प्रोटेस्टेड हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो ऊपर वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है और ये वाला सेंटेंस करेक्ट है। और देखिए, ये वाली जो वर्ब है, इनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये तो थोड़ा सा इसमें आपको इनको सीखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। जैसे इसमें एक हाइड है जी, हाइड के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हाइड इंपॉर्टेंट है इसमें, और बाथ इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ दो तीन वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, जैसे आई बाथ माई सेल्फ इन द रिवर, ठीक है। यदि सेंटेंस का आप सेंस निकालें, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि मैंने अपने आप को नहलाया, मैंने रिवर में अपने आप को नहलाया। तो ऐसा कहना थोड़ा सा गलत है, इलॉजिकल है। मैं नहाया, मैं रिवर में नहाया, तो इसलिए यहाँ पर माई सेल्फ जो है ये गलत है, और आई बाथ इन द रिवर, ये सेंटेंस इसमें करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। आई हिड माई सेल्फ बिहाइंड द डोर, ठीक है। तो इसमें भी हिड, हाइड के बाद भी हम माई सेल्फ का प्रयोग नहीं करते। आई हिड बिहाइंड द डोर, मैं डोर के पीछे छुप गया, लेकिन इसका मतलब होगा कि मैंने डोर के पीछे अपने आप को छुपा लिया, तो थोड़ा सा ये इनकरेक्ट है। आई हिड बिहाइंड द डोर, ये सेंटेंस करेक्ट है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग इसलिए हम सब्जेक्ट की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि उसका प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होता है। अब देखिए, यहाँ पर मोहन एंड माई सेल्फ लिखा हुआ है, तो इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रह सकते। तो माई सेल्फ को आप यदि आई में चेंज कर देंगे, तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अब ये देखिए, आई माई सेल्फ टॉट माई डॉटर, तो इसमें माई सेल्फ क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, टॉट इसमें वर्ब है, और माई डॉटर इसमें ऑब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा एक वर्ड और इसमें डाला गया है, माई सेल्फ, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा वर्ड की तरह काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर माई डॉटर है, तो इसलिए माई सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव ना होकर इम्फेटिव है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। और ये देखिए, आई टॉट माई सेल्फ, अब इसमें देखिए सब्जेक्ट है इसमें आई, ठीक है, टॉट है इसमें वर्ब, और माई सेल्फ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब चूंकि एक ही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें एक ही व्यक्ति है, इसलिए माई सेल्फ इसमें सही है, और माई सेल्फ इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देखिए, इम्फेटिक प्रोनाउन कैन बी पुट ईदर आफ्टर द सब्जेक्ट और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। इम्फेटिक प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर भी रख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, ये दोनों ही सिचुएशन में करेक्ट है। आई माई सेल्फ टॉट माई डॉटर, आई टॉट माई डॉटर माई सेल्फ। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप वर्ब के बाद ही रख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। जैसे आई टॉट हिम, ये करेक्ट है, और आई टॉट माई सेल्फ, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। अब हम यहाँ पर कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस देखेंगे। एडम ईमेल्ड हिम अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट। देखिए, यदि हिम का प्रयोग हम केवल एडम के लिए ही कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस गलत है, हिमसेल्फ यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन हिम यदि कोई दूसरा व्यक्ति है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, और ये आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। एलिसन एक्सीडेंटली कट हर विद द सीजर्स। देखिए, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि उसने काटा, किसको काटा? अपने आप को काटा, अपने आप को काट लिया, तो इसलिए ये वर्ड, इस वर्ड की जगह आप बोलेंगे हर सेल्फ, क्योंकि कटने वाला व्यक्ति और काटने वाला व्यक्ति इसमें एक ही है। तो ये सेंटेंस में आपका मिस्टेक, आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। आई अवेल्ड अ डिस्काउंट ऑफ ₹250 एज एन इनॉग्रल ऑफर। मतलब मैंने डिस्काउंट लिया, कितने का? 250 का, इनॉग्रल ऑफर के लिए। तो अवेल्ड जो वर्ड है, इसके साथ भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो यहां पर आपको बोलना होगा आई अवेल्ड माई सेल्फ, और ए इसमें गलती होगी। ये वाला सेंटेंस देखिए, फोर्थ, द यंग गर्ल वॉज सिंगिंग हैप्पीली टू हर। मतलब गाने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति इसमें एक ही है, ठीक है। वो गाना किसके लिए गा रही थी? वो गाना अपने आप के लिए गा रही थी, हैप्पीली, सिंगिंग हैप्पीली टू
हर सेल्फ, तो इसलिए यहां पर ये हर गलत है और यहां पर आपको बोलना पड़ेगा हर सेल्फ। आई रोट दिस लेटर, अब देखिए इसमें, देखिए इसमें सब्जेक्ट है आई, रोट है वर्ब, और ऑब्जेक्ट है इसमें लेंदी, यानी सॉरी आई रोट दिस लेंदी लेटर, मतलब लेंदी लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है, रोट इसमें वर्ब है, और आई इसमें सब्जेक्ट है। इसका मतलब माई सेल्फ इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और वो केवल इम्फेसिस के लिए यूज किया गया है। तो आई रोट दिस लेंदी लेंदी लेटर माई सेल्फ, और ये सेंटेंस आपका सही है। तो इस वीडियो में मैंने पूरा आपको इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया है, और केवल यही है, इसी में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है इम्फेटिक का और रिफ्लेक्सिव का, वो क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो मेरा जो ऑनलाइन चैनल है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, उसको आप लाइक करें, शेयर करें, और उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसके थ्रू भी आप काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हैं। और ये है मेरे डिटेल्स, इनके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।